हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रोज की तरह सुबह सुबह से, और आज भी हमारा काम है सफाई करने का। पता नहीं ये सफाई कब खत्म होगी। मेरा काम अभी छत झाड़ने का, और गुड्डी कर रही है गुलाब जामुन बनाने का काम। गुड्डी को तो धुनी चढ़ गई है गुलाब जामुन बनाने का, तो वो गुलाब जामुन बना रही है और मैं छत झाड़ रही हूँ। तो अभी तो मैंने इतना ही झाड़ा है, अभी तो इतना सारा और झाड़ना है मेरे को। मैं तो देख के ही बेहोश होने वाली हूँ, पता नहीं कब झाड़ पाऊँगी इतना। और ऊपर से धूप अलग लग रही है, और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। वैसे मौसम तो आजकल अच्छा ही हो रहा है। तो झाड़ू लगा के मैं आ गई रेस्ट करने के लिए, और गुड्डी ने बना दिए गुलाब जामुन, वो भी बहुत अच्छे। कल थोड़ा गीला हो गया था आटा, और कल फर्स्ट ट्राई था, आज सेकंड ट्राई, तो आज बहुत ज्यादा अच्छे बन रहे हैं दिखने में। तो अब खाने में पता नहीं यार, अभी खा भी नहीं सकती, मेरे हाथ गंदे हुए हैं। और आप लोग को एक से दिखाऊं, और दिखाऊंगी भी बताऊंगी भी, ठीक है? अभी बजे हैं 11:30, और गुड्डी शाम का आटा गूंदने लग गई है और बोल रही है कि गूंदना तो है ही, एक बार अभी गूंद के रख लेते हैं, शाम को टाइम नहीं होता है। और आटे के साथ साथ गुड्डी ने बनाया इतने अच्छे गुलाब जामुन, मेरे को तो देख के ही मजा आ गया। ये देखो कितने अच्छे दिख रहे हैं। गुड्डी के हाल देखो यार, तीसरी बार और गुलाब जामुन बनाने लग गए। एक बार तो कहाँ रखे रे गुड्डी, हाँ एक बार बनाए वो ऊपर पे रखे हैं, अब दोबारा और बनाने लग गई है गुड्डी। उसी चाशनी में डालोगे ना? तो आज बैंक में गुड्डी का काम है, तो गुड्डी और मैं सोच रहे हैं बैंक जाएंगे, और खाना आज पापा बनाने वाले हैं दिन का। गुड्डी ने तो अपना पूरा दिन गुलाब जामुन के पीछे वेस्ट कर दिया है, और हम सब लोग खाएंगे, बनाएगी गुड्डी और खाएंगे हम सब लोग, और दिन का खाना बनाएंगे पापा। और मेरा झाड़ू वाड़ू का जो भी काम था वो हो गया है, तो मैं तो हो गई हूँ तैयार, और गुड्डी अभी तैयार होने में शायद आधा घंटा और लगाएगी। तो स्कूटी में जा रहे हैं ना, मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैंने आज तक निकाली नहीं, क्योंकि आज तक तो पतिदेव निकालते थे, और पतिदेव है दिल्ली। तो अब शायद दादा को कॉल करूंगी मैं एक बार, स्कूटी निकाल देंगे, अगर वो फ्री होंगे तो वो निकाल देंगे, अगर वो भी फ्री नहीं होंगे ना तो खुद ही निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, और मेरे से स्कूटी नहीं निकले, मेरे को डर लगा था, दादा ने निकाल दी थी स्कूटी। और हम लोग घर से काफी नीचे पहुंच गए हैं, डोर पहुंचने वाले हैं। तो कितना रख दिया टाइम? तो 1:24 हो गया हमारा यहीं, और 2 बजे लंच टाइम होता है। तो देखते हैं हम लोग बैंक पहुंच पाते हैं नहीं, बैंक तो पहुंच जाएंगे, मतलब काम होता है या नहीं होता है, तो जो भी है चलो फटाफट एक बार जाते हैं। एक भैयाली सो चुका है, और हम लोग पहुंच चुके हैं बैंक में। 2 बजे तो लंच टाइम होता है, अब देखते हैं वो लोग हमारा काम कर देते हैं या नहीं करते हैं। वैसे तो कर देना चाहिए, अब देखते हैं जो भी होगा। और मैंने अपनी स्कूटी लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ से सीधा रास्ता है बैंक का। तो अभी गुड्डी आई थी टू कॉपी करने के लिए, तो गुड्डी का काम हो ही जाएगा। वैसे मेरे को तो खुशी भी हो रही है कि काम हो जा रहा है करके। तो फाइनली हमारा काम हो ही गया, मेरे को अब खुशी हो रही है कि हम फटाफट घर भी जाएंगे। और जो जो हमारा मन होता है चाउमीन वाउमीन खाने का, तो एक बार देखते हैं दुकान खुली है नहीं खुली है। गुड्डी को तो बिल्कुल शरमाने में ध्यान देखो, बिल्कुल आंखें भी इधर भी आंखें नहीं दिखा रही है यार, क्या हो गया इसको। तो एक बार जाते हैं फटाफट। स्कूटी पीछे साइड लगा रखी है, अब गुड्डी ने देख लिया मोमो चाउमीन की दुकान, मेरे को तो पता भी नहीं था कहाँ है करके। तो रोड से थोड़ा नीचे ना, तो हम लोग जाते हैं देखते हैं मोमो चाउमीन बनी है नहीं बनी है।
हमारे गर्मा गर्म मोमो आ गए हैं, दिखने में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अब खाने में पता चलेगा कैसे हो रहे हैं। गुड़ी खाओ, कैसे हो रहे हैं? मस्त हो रहे हैं? गुड्डी तो बोल रही है मस्त हो रहे हैं, एक बार मैं भी खा लेती हूँ। तो हमारा जो जो भी काम था ना वो सब कुछ हो गया है, अब हम लोग जाने लग गए हैं घर की ओर, क्योंकि तो इंतजार में कब भाभी स्कूटी चलाई और कब हम लोग जाए घर में। जा रहे यार स्कूटी, इतना भी मत परेशान हुआ। हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और हमारे घर पहुंचने तक पापा ने बनाई थी अंडा कढ़ी और भात, पापा और चंदू ने खा लिया है, गुड्डी और मैं भी खा रहे हैं। तो खाना पीना खा के गुड्डी और मैं आ गए खेत में, आमा चाची पापा चंदू सूरज नानू सब लोग पहले से खेत में है, तो हम लोग थोड़ा लेट आए क्योंकि हम लोगों ने खाना भी लेट खाया, तो काम करने में भी थोड़ा लेट है, तो एक बार उनके साथ जाते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। तो चाची यहाँ पे घास इकट्ठा कर रहे हैं, आज लूट बनाने वाले हैं, लूट बना रहे हैं चाची, आज बड़े फास्ट हो रहे हैं यार, कल ही तो काटा था हमने, कल काट रहे थे परसों ना, परसों काटा देखा, आज लूट भी बनाने लग गए, इतने फास्ट हो रहे हैं चाची, हड्डियां तो है वो भी गलने की तैयारी में अब चाची की। सब लोग अपने अपने काम में बिजी है, तो मैं आप लोगों को सभी का काम दिखाती हूँ। गुड्डी का काम चल रहा है घास काटने का, सूरज का भी चल रहा है रेस्ट, और चंदू सर का तो रेस्ट ही रहता है वैसे भी, ज़्यादातर छुप रहा है, और चाची पुल बांध रहे हैं, और दादा और आमा घास इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ को धूप है अभी भी, यहाँ को पूरी धूप ही धूप। और मैंने चंदू के लिए बनाई है छोटी सी भारी, और चंदू को देखो कैसे ले जा रहा है, उठ 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 शाबाश, ए हे हाँ हाँ सही है सही है, देख रहे हो क्या कह रहा है, तुमसे अच्छा तो मैंने बनाया था बल इससे पहले वाली बारी, तो इन दोनों की खेत में चल रही कबड्डी, देखो देखो तो खेत से आते आते अंधेरा हो गया, और गुड्डी और मैं बना रहे हैं आग में रोटी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।